दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के निवासी तारिक फतेह का 74 साल की उम्र में हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार, जिसके बाद तारिक फतेह की बेटी नताशा ने गर्व से ट्वीट करते हुए अपने स्वर्गवासी पिता का और बढ़ा दी सम्मान। कहा कि पंजाब का शेर, हिंदुस्तान का बेटा, कनाडा का प्रेमी, सच्चाई का परोपकार, न्याय के लिए लड़ने वाले और दबे कुचले और शोषितों की आवाज बनने वाले मेरे पिता तारिक फतेह अब नहीं रहे। भौगोलिक सीमा का भेदभाव भूलकर स्वयं को भारत का बेटा बताने वाले तारिक फतेह अब नहीं रहे। एक विचारक और बेहतरीन वक्ता जो मजहब की भय से ऊपर उठकर बेहिचक सत्य बोलते थे। मीडिया विमर्श में लोग उन्हें गंभीरता से सुनते और समझते थे। अब वे कहीं नजर नहीं आने वाले हैं, लेकिन यादों में वे अवश्य बने रहेंगे। तारिक फतेह का जन्म 20 नवंबर 1949 को कराची शहर पाकिस्तान में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो 1947 में भारत के विभाजन के बाद बॉम्बे से कराची चले गए थे। फतेह अपने जीवन में कई सारी उपलब्धियां हासिल किए। वह पत्रकार भी बने, धर्म विरोधी और विभाजन के लिए वकालत भी किए और अंत में लेखक बन गए। और खुद के बारे में फतेह जोर देकर कहते थे कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ एक भारतीय हूँ, इस्लाम में पैदा हुआ एक पंजाबी, एक मुस्लिम चेतना के साथ कनाडा में एक अप्रवासी हूँ और मैं सलमान रुश्दी के कई मिडनाइट चिल्ड्रेन में से एक हूँ। तारिक फतेह नर्मजोशी दिल के इंसान थे और सदैव अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते थे। लेकिन फतेह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण 24 अप्रैल 2023 को 73 वर्ष की आयु में इस परलोक से सिधार गए।